नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेडी क्रॉप के बारे में, यानी धान की फसल के बारे में। किस समय हमें क्या धान की फसल में लगाना चाहिए, कितने दिनों पे लगाना चाहिए, जिससे बेहतर पैदावार हम लोग ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने धान के खेत को जिसमें हम लगाने वाले हैं उसे अच्छी तरीके से तैयार करा लेना चाहिए। कुछ किसान लोग जो गहन होता है पानी भरने के बाद जब हम रोपाई से पहले तैयार कराते हैं, उसमें DAP, उसके साथ साथ सल्फर या कोई इंसेक्टिसाइड या ह्यूमिक एसिड वगैरह चीज़ें हम अपने खेत में डाल देते हैं, जिससे जो ट्रैक्टर वगैरह के चलाव से और जो धान लगाने वाला अपना रूटर हो सकता है उससे वो सारी चीज़ें मिट्टी में जो है मिल जाती हैं, उसके भी रिजल्ट आते हैं। बट कुछ लोग 1 से 2 दिन बाद उसे लगाते हैं, तो उस समय हमें क्या लगाना चाहिए और उसके उपरांत क्या लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे जो भी क्रॉप है हमारी पेडी की, उसके लिए DAP या NPK अपनी सोइल के हिसाब से, 0.5 किलो बीघे का सल्फर यदि 80% या 90% WDG में है, साथ साथ कोई भी हम जैसे पोटास दे दी और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, वो अपनी सिचुएशन अपने बजट के आधार पर है, या एक इंसेक्टिसाइड भी हम उसमें डाल सकते हैं जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो या आपके बजट में हो। उससे होता क्या है कि जो नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह और पोटास वगैरह के हमारा NPK या DAP पूर्ति करता है, जो हमारा पौधा होता है उसकी जड़ सही से चले, गले ना, उसके लिए हमें सल्फर लगाना होता है, और कोई भी दीमक या कोई गिनार वगैरह, सूंडी वगैरह जड़ को ना काटे, इसलिए हमें इंसेक्टिसाइड देना होता है। दोस्तों, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें लगानी होती है जिंक, यूरिया और कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिससे हमारे कल्ले ज़्यादा आएँ और उसकी पैदावार बेहतर हो। तो उसके लिए बहुत से किसान एक गलती करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि DAP के साथ ही हम जिंक को लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि DAP के साथ जिंक नहीं लगाना चाहिए, वो हमेशा यूरिया या फिर उसे स्प्रे के रूप में आप करें। जब हम पहला यूरिया लगा रहे होते हैं तो तकरीबन हमारी फसल 20 से 22 दिन की हो रही हो, उसी के साथ हमें जिंक लगानी चाहिए, जिससे जिंक अपना काम अच्छा करती है और कल्ले ज़्यादा आते हैं। उसी के साथ यदि हम कोई इंक्लूड कर देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे क्रस्टोराइजा हो गया, सागरिका बेस्ड जो ह्यूमिक एसिड सीवीड्स वगैरह होते हैं उन्हें, और फिर हमें जब हमारे कल्ले अगर नहीं भी आते तो एक दवाई आती है इथाफोन 39% SL के नाम से, मार्केट में 50 के नाम से उपलब्ध है, और भी कई कंपनियां उसे अपने अलग अलग नाम से रखती हैं। यदि आपके पेडी की जो क्रॉप है उसमें अगर कल्ले नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए मैं 2 सुझाव दे रहा हूं आपको, या तो आप एथेफोन के नाम से जो है उसे लगा सकते हैं, या फिर कोई हल्का बांस उसे रस्सी में बांधें और घुमाएं, और उससे क्या होता है कि एक झटका लगता है हमारे पौधे को, उससे जो है कल्ले ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, कल्ले भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद हमें देखना होता है कि जैसे बोरॉन तो है, उसके साथ और भी जो गुआवे में हमारी फसल आ रही है, तो पटास जिससे खाली दाना रह जाता है वो ना बने, उसके लिए हमें एक स्प्रे कर लेना होता है। और मैंने अभी पिछली वीडियो में भी सैनी फॉस के नाम से एक दवाई है उसका इस्तेमाल बताया था कि कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारे जो दाने हैं वो अच्छे चमकदार पकते हैं और पैदावार भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, एक चीज़ मैं विशेष तौर पर आपसे कहूँगा कि हमें अपनी सभी फसलों में कैल्शियम को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारी फसल की पैदावार ज़्यादा हो। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ा मोटा मोटा बात रखी थी, अगली जो वीडियो बनाएंगे हम एक एक टॉपिक को साथ लेकर के बनाएंगे, कौन सा न्यूट्रिशंस हमें जो कब देना चाहिए, इस विषय पर हमारी बात रहेगी। और यदि कोई समस्या, जैसे आजकल एक धान है बसंती, उसमें पीलापन, रेड रॉट वगैरह की बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसे हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत समझ में आई होगी, और आप यदि मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं नया हूँ YouTube पे, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।